अभी तक हम लोग भगवान कपिल द्वारा योग पद्धति, माता देवती को एक योग पद्धति के बारे में समझा रहे। इस श्लोक में अभी तक हम लोग देखा, अलग अलग श्लोक में पांच श्लोक हुआ, अभी पांच श्लोक में हम लोग अलग अलग किस प्रकार भगवान कपिल माता को बता रहे। पिछले श्लोक में हम लोग देखे थे, पिछले श्लोक में हम कल का श्लोक में क्या क्या देखा, मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का अभ्यास करे, चोरी से बचे और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करे, वो विषयी जीवन से बचे, स्वच्छ रहे, वेदों का अध्ययन करे और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करे। चौथा श्लोक में, पांचवा श्लोक में क्या बताया है तारे भगवान कपिल, मनुष्य को चाहिए कि मौन धारण करे, विभिन्न आसनों के अभ्यास द्वारा स्थिरता प्राप्त करे, प्राणवायु को साधे, इंद्रियों को विषयों से हटावे और इस तरह मन को इंद्रिय में केंद्रित करे, ने विषय के बारे में बताए। पहला है मौन धारण करे। मौन, मौन के बारे में सभी शास्त्र पुराण अलग 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 धर्म ग्रंथ में हम लोग मौन के बारे में पढ़े जान चुके हैं। मौन सर्वार्थ साधन, मन बोलते ना, जो भी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है उसको मौन का अभ्यास करना। प्रभुपाद जी बता रहे मौन यानी चुपचाप बैठे रहना, ऐसा नहीं। आजकल हम लोग अलग 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 धर्म की प्रथाओं में देख रहे, जाके उधर समाधि लगा के बैठना और चुपचाप बैठे रहना, इतने 7 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 1 महीना, ऐसा उधर जाके चुपचाप बैठे रहने का, न किसी का ध्यान करने का नहीं, न किसी का सोचने। वो तो हमारे इंद्रियां इतने चंचल हैं, वो हम लोग कर पाना बहुत कठिन है। 5000 बरस पहले जब भगवान अर्जुन को बता रहे थे योगी बनो, हे अर्जुन तुम योगी बनो, तो अर्जुन क्या बता रहे, नहीं नहीं नहीं, अर्जुन तो साधारण आदमी नहीं थे, अर्जुन तो शिवजी को भी हराए हुए महावीर योद्धा थे और भगवान के शुद्ध भक्त भी थे, फिर भी उन्होंने क्या बताया, नहीं ये तो बहुत कठिन है, मन को निग्रह करना बहुत कठिन है, मौन धारण करना बहुत कठिन है। साधारणतः मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है किसी के बारे में, मनुष्य मनुष्य जीवन की ये एक स्वभाव है, किसी को उसको इसका बड़ापन बड़ा बड़ापन बता करना, नहीं उसको बहुत तारीफ करना, किसी को नीचा करना, किसी को ये जो कुछ ना कुछ मनुष्यों के अंदर रहता है, जो कुछ सोचे बिना समझे मेरा मौन नहीं रह सकता। अभी भगवत गीता में हम लोग एक अध्याय में भगवान मौन हूँ करके बता रहे, अब कोई कोई बता सकते हैं किस कौन से श्लोक में, किस में, किस अध्याय में, दसवें अध्याय के कौन सा श्लोक नंबर के में मौनम चेतासि, कौन बता रहे, विभूति युग है ना, इसमें बता मौनम चेवासी भूयानम ज्ञान ज्ञानवताम हम करके भगवान बता रहे। इधर मौन यानी क्या है, अनर्गल
बेकार का बात नहीं करना चाहिए। क्या करना का बात करना है, तो भगवान का जो भक्त है उनका वाणी ही मुख्य है, क्योंकि भगवान के बारे में बताना है। जैसे हम लोग रूप गोस्वामी का इसमें उपदेशामृत में हम लोग एक श्लोक पढ़े, वाचो वेगम, वाचो वेगम यानी वाणी का वेग, वेग को कंट्रोल करना ना बहुत कठिन है इस कलयुग में। चुपचाप कोई बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। जब उपदेशामृत में रूप गोस्वामी बता रहे ना, जो मेंढक जीवा मेंढक के टर तरह टर 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 करते रहते हैं उधर, उसको सांप को मालूम पड़ता है और सांप उसको निगल जाए। मौन सबके लिए मौन धारण करना बहुत कठिन है, मगर इधर बता रहे भगवान, बता रहे जो भगवान मेरा भक्त है, जो मेरा शुद्ध भक्त है, अपने सोचने तथा ध्यान करने की सब क्रियाओं में मौन धारण करते, इससे वो पूर्ण होता है, वो पूर्ण है सोचने में सभी में, क्योंकि 24 घंटे उसका मन किसी में रहता है भगवान, क्योंकि वो सदैव भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। आज मैं भगवान को क्या कैसे श्रृंगार करूं, भगवान का कैसे सेवा करूं, क्या भोग बनाऊं, ऐसे पूरा पूर्ण भगवान में लगा रहता है। और कुसंगति से दूर रहता है, वो अपने को अलग ही करता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना भौतिक लोगों के संग में जाएगा तो इधर का उधर का इधर का उधर का बात सुन के हमारा जो भी थोड़ा भी भक्ति है वो भी नष्ट हो जाता है। इसके लिए जो भगवान का भक्त जो रहता है उसको मालूम पड़ता है, वो तो कुसंगति से दूर रहता है, किसी का प्रशंसा करे किसी का निंदा करे तो ये किसी में वो नहीं रहता है। जो यश में रहने दो अपयश रहने दो, तो वो सदा मौन रहता है सुख दुख में, हर्ष शोक में, सभी में वो अत्यंत शांत और मौन रहता है, क्योंकि भगवान का भक्त जो रहता है धैर्यवान रहता है, धैर्यवान होता है। कृष्ण भक्त कृष्ण के अतिरिक्त वो कुछ बोलना नहीं चाहता, कुछ सुनना नहीं चाहता। जैसे हम लोग अम्बरीश महाराज का हम लोग कथा में देखे, अम्बरीश महाराज अपने पूरा इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाए थे, सवई मना कृष्ण पदारविंद, पूरा अपना मन को भगवान के चरणों में, आंखों को भगवान का सुंदर रूप में देखने में, हाथों को भगवान के मंदिर का मार्जन करने में, नाकों को भगवान के तुलसी के दल को सूंघने में, जीवा को प्रसाद करने और भगवान की कीर्तन करने में, अपने भक्तों को आलिंगन करने में, माथे को प्रणाम दंडवत प्रणाम करने में, इस तरह अपने पूरा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। इसके लिए उसको बाकी भौतिक किसी चीज का उसका परवाह ही नहीं रहता है, कोई मिले ना मिले सभी मौन शांत रहता है। एक राजा होकर अम्बरीश महाराज ने अपने इंद्रियों को वश में कर पाए, पर वही दुर्वासा मुनि वो योगी ध्यानी होकर भी वो अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाए। हम लोग इस अम्बरीश महाराज के कथा में हम लोग जानते हैं। जो इंद्रियां इतना बलवान है, भगवत गीता का दूसरे अध्याय में भगवान बोलते इतना विषैली सर्प के समान है, अगर हम लोग विधि विधानों को पालन करके इस इंद्रियों को
वश में करना चाहे तो वो वश में नहीं आ सकता, क्योंकि हम लोग इंद्रिय भोग को भोग चुके हैं। भले ही हम लोग विधि विधान हमको पालन करके हम लोग इंद्रिय विषयों को छोड़ दे, मगर वो आसक्ति जो रहे वो बना ही रहता है अंदर, जो इंद्रिय विषय की आसक्ति जो रहता है बनाए रहता है। जैसे बोलते हैं ना, जंगल में आग लग जाए तो पूरा जंगल जल जाता है, मगर जब बारिश आ जाता है तो वापस पुनः वो जंगल में सब पेड़ पौधे उग जाते। वैसे ही जो मनुष्य भले ही विधि विधानों का पालन करे, यज्ञ दान तप करे, जब तक अपने आप को आध्यात्म ज्ञान भगवान कृष्ण के चरण में नहीं लगाता है तो वो भक्ति नहीं कर पाता। भक्ति करने के लिए इधर बताया ना, पिछले इसमें श्लोक में भी बताया, इंद्रिय विषयों से दूर रहना चाहिए, इंद्रिय विषयों से अपने को अलग करना चाहिए। जैसे उसके दूसरे बता रहे हैं सेकंड में, आसन, ये भगवत गीता का 6th चैप्टर में योग योग का कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, क्या करना चाहिए, 6th चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को बताया। एकांतवास करना, ऐसे दूर हरिद्वार मथुरा वृंदावन जैसे जगह में जाके एकांतवास, यानी घर गृहस्थी को सब छोड़ के एकांतवास में जाके ऐसे एक जगह को ढूंढना है, और उस जगह में घास के ऊपर मृगचर्म बिछाना है, और उसके ऊपर मुलायम कपड़े बिछाने का, और पूर्व दिशा में मुख करके बैठने का, और उसका कैसा रहना चाहिए, वो रीढ़ का हड्डी सीधा रहना चाहिए। और इस 6th चैप्टर में भगवान ने बताया, शुचोदेशे प्रतिष्ठां स्थिरं मानसमात्मना नात्युचितं नातिनीचं चैलार्जुन कुशोत्तरं तत्तैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युज्यो योगम आत्मा विशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुश बिछा दे, और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, या पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस ऊपर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए, और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। अब योगाभ्यास के बारे में बताएं। योगाभ्यास अभी हम लोग आजकल बहुत जगह योगा का क्लास देखते हैं हम लोग, योगा क्लास, उसमें क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज, उसमें कुछ यही नहीं है, उसमें कुछ ज्ञान का बारे में होने, फिर फिजिकल एक्सरसाइज है। पर योग का क्या मीनिंग है, पहले योग यानी क्या है, अपने सब इंद्रियों को वश में करके परमा अंदर हृदय में स्थित परमात्मा विष्णु का दर्शन करना। अंदर जो हमारे हृदय के अंदर चतुर्भुज रूप में विष्णु का वास है, उस भगवान विष्णु को दर्शन करना। विष्णु और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं, मगर विष्णु का दर्शन करना ये योग आत्म साक्षात्कार बोलते हैं इसको, आत्म साक्षात्कार मार्ग योग। इधर बता रहे हैं, योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि अपने शरीर गर्दन सिर को सीधे रखे, और नाक को अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वो अविचलित तथा भ्रमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करो, मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाए।
इसमें इतना सब नियम है, उसको सीधा बैठना चाहिए इधर उधर, और उसके से क्या है, बोलना सुनना खाना पीना सब 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 कुछ को सब कुछ बंद करना चाहिए। इसमें बताए जो खाने सोने आमोद प्रमाद प्रमोद काम करने के आदि निमित्त रहता है, ये योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है, यानी सब बंद करके उसको ध्यान में बैठना है। ये तो बहुत कठिन है। इस तरह योगाभ्यास वो तो 5,000 बरस से पहले अर्जुन ने बता दिया ये मेरे लिए कठिन है, तो ये आज कलयुग के जीव मंदबुद्धि हतभागी ये तो कर पाना बहुत कठिन है। प्रभुपाद जी हम लोगों के लिए इतना आसान तरीका बताए हैं, तो अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण में लगाए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इंद्रियों को मन को भगवान की सेवा में जो लगाते हैं वो सचमुच योगी योगी है भगवान। हम लोग अभी भक्तों के जीवन को हम लोग देखते, जो भी अभी आप लोग सब जूम में ज्वाइन हुए हैं, वो लोग इधर भक्ति में आने के पहले आपका जीवन कैसा था और इधर भक्ति में आने के बाद आपका जीवन कैसा है, तो आप इसको मेजरमेंट कर सकते। भक्ति में आने के पहले हम लोग जो देखते वो एक उसका तारीफ करते थे, उसको पसंद करते थे, लेके आते थे, और घर में जो नहीं चाहिए वो सब भर देते थे। मगर जब ये भक्ति में आते तो जो भी अच्छा लगे मगर उसमें नीरसपन, ये क्या बेकार का चीज है, क्योंकि उत्तम रस जब भी हम लोग उत्तम रस को प्राप्त करने तक, उत्तम रस यानी क्या है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, जब हम भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करते हैं तभी हम लोग को सब बाकी सब कैसा लगता है। कितना भी हम लोग पहले क्या करते थे, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे जो बड़े ऊंचे पोस्ट में उन लोग का कितना तारीफ करते थे, वहाँ बहुत ज्ञानी है बहुत बड़ा है बहुत है, मगर जब भी भक्ति में आने के बाद क्या होता है, ये तो अपने कर्म के अनुसार मिलता है। जो पिछले जन्म में अच्छा कर्म करता है वो पढ़ा लिखा विद्या बोलते ना, जो भी है अपने भाग्य में वो मिलता है, मगर जो भगवान का शुद्ध भक्त रहता है वो योगी सचमुच वो योगी है, क्योंकि वो अपने इंद्रियों को वश में रखता है। अभी हम लोग देखते भौतिक लोगों के बीच में ही हम लोग रह रहे, हम लोग क्या जंगल में नहीं रहे, भौतिक लोगों के बीच में ही रह रहे, सभी आसपास में सब भौतिक लोग ही है, मगर उनको साथ रह के भी हम लोग कैसे रह रहे हैं, अपने को अलग रहे। हमारा क्या है, ड्यूटी है सुबह उठना चैंटिंग करना भगवान की सेवा करना भगवान को भोग लगाना और सतत भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान का भक्त जो रहते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा भगवान के बारे में पूछेंगे, भगवान मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, भगवान का भक्त एक दूसरे के पास भगवान के बारे में, भगवान के लीला रूप गुण इसके बारे में, ये धाम में धाम वास के बारे में यही चर्चा करे, उसको छोड़ के इसके अलावा दूसरा कुछ ये नहीं करता। और इसमें और तीसरा बोले धैर्य, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य के लिए इधर हम लोग दृढ़ता पूर्वक बोलते हैं ना, इन्हें हम लोग जो भी कर रहे हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना, 16 माला जप करना, भगवान का अर्चना विग्रह का सेवा करना, भगवत गीता भागवतम का पठन पाठन करना, वो नित्य और धैर्यपूर्वक धैर्य से करना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक। इन्हें प्रभुपाद जी ने एक स्टोरी भी बताया, एक गौरैया का पक्षी का भी स्टोरी भगवत गीता में भगवान प्रभुपाद जी ने बताया, जैसे गौरैया छोटे से पक्षी समुद्र के किनारे अपने घोंसले बना के उसमें अंडे रखे थे, मगर समुद्र ने क्या किया उस घोंसले को भाग के लेके गया, तो गौरैया ने तय किया और समुद्र को बोला समुद्र मुझे मेरा अंडे वापस दे,
पर समुद्र हंसने लगा, इतने छोटे गौरैया क्या करेगी, इससे क्या कर सकती है करके वो हंसने लगा। तो गौरैया ने निश्चित किया, नहीं मुझे वापस इस अंडे को, मेरे अंडे को प्राप्त करना है। तो उसने दृढ़ता पूर्वक अपने छोटे चूंच से समुद्र का पानी लेके आके किनारे पे डालती थी, भालू के ऊपर डालती थी, इसलिए कर रही थी। सुबह से दोपहर तक वो अपने चूंच से पानी लेकर के डालती थी। तभी सभी पक्षियों को मालूम पड़ा, सभी लोग आके पूछ रहे कि गौरैया क्या कर रहे हो। नहीं, मैं समुद्र को सुखा रहे। वो लोग हंसने लगे, ये क्या समुद्र को सुखा सकती, इतनी छोटी पक्षी है करके वो लोग हंसते चले गए। ये बात कहाँ तक पहुंच गई, धीरे 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 पक्षीराज भगवान का वाहन गरुड़ तक पहुंच गया। गरुड़ को छोटे गौरैया के ऊपर कृपा आ गई, वो तुरंत आ गए, तुरंत आके देख रहे तो ये गौरैया क्या कर रहे हो, पूछ रहे तो मैं इसको सुखा रहे हैं समुद्र को, क्योंकि उसने मेरा अंडा चुरा लिया। तो उसके ऊपर, गौरैया के ऊपर गरुड़ को कृपा आ जाती है। उसने क्या करता है, अपनी छोटी सी नन्ही सी बहन के लिए वो उसकी रक्षा करने के लिए वो समुद्र से प्रार्थना करते हैं, देखो उस गौरैया का अंडे को वापस ला के दे दो, अगर नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ू। तो समुद्र डर गया, क्योंकि गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी तो क्या भगवान के वाहन है, वो कुछ भी कर सकता है। इसके लिए वो तुरंत समुद्र ने वो गौरैया का अंडे को ला के दिया। इस छोटे से हम दृष्टांत से हम लोग सीख सकते हैं, जो भी भगवान का भक्त है, निष्ठापूर्वक ध्यान पूर्वक अपने मन को भगवान की सेवा में लगाए, तो भगवान खुद उनका सहायता करते। ये दृढ़ता पूर्वक सही रहे, इसमें बताया दृढ़ता पूर्वक हम लोग को अपनी सेवा में भगवान का सेवा कैसे शुरू होता है। भगवान का सेवा, सेवा मुखे जीवा दो, हम लोग पढ़े अभी उपदेश अमृत भक्ति रस अमृत सिंधु में, सब जीवा से ही चालू। भगवान जीवा का दो काम है, एक प्रसाद खाता है और भगवान का गुणगान करता है। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को ऐसे शिक्षा प्रदान किए। चैतन्य महाप्रभु बता रहे सबको, सततम 2400 घंटे मेरा कीर्तन करना चाहिए, 2400 घंटे भगवान के नाम लेना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए, वो ही भगवान के लिए अत्यंत प्रिय। अष्टांग योग जो है, अष्टांग योग नव साधकों के लिए, जो इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता है, भक्ति नहीं कर सकता है भगवान का, उस ऐसे नव साधकों के लिए अष्टांग योग है, क्योंकि उसको सबको इंद्रियों को वश में करके ध्यान करने के लिए। मगर जो भगवान का भक्त है, जो ये भगवान के बारे में जानता है, उसके लिए कुछ अष्टांग योग का जरूरत है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु के हम लोग जीवन चरित्र, चैतन्य चरितामृत में सब हम लोग पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु के कितने बड़े 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 शिष्यगण, रघुनाथ दास गोस्वामी, षड गोस्वामी, वो लोगों का जीवन हम लोग पढ़ते हैं। भगवत गीता में हमें भगवान बता रहे ना, कैसे हम लोग को ये जो जनक आदि, जो जो महा महा जन महाजन के दीन गतानुपत्ता, वो लोगों का कैसे आचरण है, वैसे हम लोगों को उनके चरण चिन्हों के अनुसार चलना, महाजनानों के चरणों चिन्हों के अंदर हम लोग को चलना है। न तथाकथित उधर उधर के, अभी भौतिक दुनिया में हम लोग देखते हैं अलग 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 पंथ है, अलग 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 प्रथा है, जो अपने मन को, हम लोग भी भगवान का भक्ति करते हैं, हम लोग भी ये करते हैं करते हैं, मगर उनका क्या है, निष्ठा नहीं रहती। जो हमारे लिए 4 नियम का पालन और 16 माला जप, ये पहले हम लोग को कठिन लगता है, मगर जब ही हमें उसका रस मालूम पड़ा तो इतना आनंद आता है, हम लोग को भगवान का नाम लेने में इतना रुचि आता है। अभी इंद्रियों को वश में करने का है ना, अभी हम लोग सब लोगों ने निर्जल एकादशी किया, सब लोगों ने निर्जल एकादशी किया, क्या तकलीफ हुआ आपको,
क्योंकि सुबह से रात तक भगवान का नाम लेते, भगवान का गाने में सुनते सुनते सुनते, किसी को भी कुछ नहीं दो, वही अभक्तों को आप पूछिए, और रे बाप रे, पानी तक नहीं पिया आप लोग, वो ब्रुश तक नहीं खाया, यानी वो लोगों का मन भगवान में नहीं है। जो भी भक्त अपना मन को भगवान में लगाए, उसको ले कुछ भी कठिन नहीं है। भगवान वही बोलते ना, मनमना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्करो मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रेस। आपका मन मुझे दे तो मुझे नमस्कार करो, बस आप ही, आपके अलावा हम मुझे और कोई प्रिय नहीं है। फिर भगवान बार बार भगवद गीता में हम लोग समझाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम तम स्वरूप पापी मोक्षयिष्यामि मम। सब कुछ छोड़ो और मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। और मगर हम लोग मूर्ख लोग भगवान के बात को नहीं मानते। उधर कोई साधु बाबा है, उधर का वो क्या मंत्र फूकने वाला है, कोई कुछ चमत्कार दिखाने वाले, उधर हम लोग उसके पीछे भागते हम लोग, क्योंकि हम लोग मूर्ख है, हम लोग को ज्ञान ही नहीं है। ये सब कब कैसे होएगा? भगवान बोले, जिसका पिछले जन्म का पाप कर्म नष्ट हो चुका है और पूर्व जन्म का पुण्य उदय हो चुका, वही भगवान का भक्ति कर सकते हैं, भगवान का बारे में जान सकते हैं। भगवद गीता में भगवान बहुत सुंदर ढंग से बताए, चैतन्य महाप्रभु जो एक शिष्य रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन हम लोग देखते, वो कितने अमीर घर के थे, मगर उनका घर वालों ने उनको प्रभु चैतन्य महाप्रभु के साथ जाने के लिए मना किए थे। बहुत उसको इतने कड़ी निगरानी में रखे थे, फिर भी एक दिन वो नित्यानंद प्रभु आए हैं करके, गांव के नजदीक आए करके उनको दर्शन करने के लिए जाते, तो वो उधर कैसे दंडवत प्रणाम करते हैं, हाथ में मुंह में घास का तिनका पकड़ा, इसके दंडवत प्रणाम करते हैं। ये अष्टांग योग में भी, अष्टांग योग से भी सर्वश्रेष्ठ है उनका वो प्रणाम। तो नित्यानंद प्रभु बहुत खुश हो जाते, तभी वो दही चिड़ा फेस्टिवल अभी हो रहा है ना, वो रघुनाथ दास गोस्वामी के घर में करते। फिर ऐसे हम लोग रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इतने उच्च जाति के पढ़े लिखे, और राजा के दरबार में नौकर थे, मुस्लिम राजा के दरबार में उनको किसी का कमी नहीं था, मगर जब भी वो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किए तो सब कुछ त्याग दे, वो जहाज भर के उनके सोने के सिक्का सिक्का दे, उनका सैलरी सब कुछ छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के चरण में ऐसे दंडवत किए। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन, उनका स्पर्श मात्र, सब भाव विभोर होके शरणागत हुए। उसे हम लोग चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, उधर भी जो भी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते, कोई चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन को सुनते तो तुरंत सब लोग भक्त बन जाए, उनके शरीर में रोमांच पुलक सब प्रकट होते। चैतन्य महाप्रभु इधर वाराणसी में, हम लोग ये भी पढ़ते हैं ना, वाराणसी में जब चैतन्य महाप्रभु हरि नाम कीर्तन करते थे, तो ये मायावादी सन्यासी लोग का एक सभा रहता है, वो माने मायावादी सन्यासी लोग सभा में चैतन्य महाप्रभु को बुलाते, तो चैतन्य महाप्रभु भी प्रभु जाते हैं उधर, वो मायावादी सब लोग ऊपर पंडाल के ऊपर आसन के ऊपर बैठे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जाके कहाँ बैठते, चरण धोते हैं ना, उधर नीचे जाके बैठते। तो प्रकाशानंद सरस्वती उनको देखते, या उनके शरीर से तेज निकल रहा है, चैतन्य महाप्रभु के शरीर से ऐसे तेज निकल रहा था जो साक्षात भगवान करके, वो प्रकाशानंद सरस्वती उतर के उसका हाथ पकड़ के उठा के लेके आते, आप इधर नहीं बैठना चाहिए, हमारे साथ बैठिए। तो चैतन्य महाप्रभु को अपने पास बैठाते और उनको समझाते, आप इतने बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, ये वेद शास्त्र का शास्त्रार्थ रचना करो। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते, नहीं, मेरे गुरु ने मुझे बोला है तुम मूर्ख हो तो ये नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही करना,
तो चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र बोलते 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 वाराणसी में पूरा जगह घूमते। तो उधर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उधर खड़े रह के देख रहे थे, कितने समुद्र की तरह हजारों लोग चैतन्य महाप्रभु के पीछे पागल के तरह ऐसे नाच रहे थे, उन्मत्त होके कीर्तन कर रहे थे, गा रहे थे, उनका पूरा अंग सात्विक विकार को प्रकट कर रहे थे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अपने आंखों से देखते। और इनके बारे में हम लोग देखते हैं माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी जैसे महान भक्त, जब भी साक्षी गोपाल में जाके, सॉरी साक्षी गोपाल नहीं, गोविंद जी, गोविंद जी के गोविंद जी को चंदन चंदन का लेप करते हैं, गोविंद जी का विग्रह को झाड़ी में नीचे था उसको उठा के अच्छे गोवर्धन में जगह में, गोवर्धन में एक अच्छे जगह पे रखते, उधर वो पूजा पाठ करते और सभी गांव वासियों को बुलाते और वो पूजा पाठ कर अर्चना करते और दंडवत प्रणाम करते माधवेंद्र। वो तो पूरे गांव वाले सभी लोग दंडवत करके शरणागत हो जाते भगवान। ये जो भक्त है उनसे हम लोग को एक गुण सीखना है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनीय सदारी। ये हमारे गले में इसको लिख के बांध के रखना चाहिए, हमारे अंदर ये गुण आना चाहिए। जब तक हमारे अंदर ये गुण नहीं आता है तब तक हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग को हमेशा भगवान कृष्ण, एक क्षण के लिए हम लोग को भगवान कृष्ण भूलने का नहीं, उनसे दूर नहीं जाना चाहिए। युगायतम निमिषेण चक्षुषाम प्रावर्षायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। एक क्षण के लिए हम लोग भगवान के दर्शन करने, भगवान के भागवत कथा सुनने में, भगवान के लीला कथा सुनने में एक दिन भी हम लोग मिस करें तो हम लोग का मन में ऐसा होना चाहिए, अरे कितने बरसों तक हम लोगों ने नहीं सुना, नहीं देखा भगवान का, नहीं सेवा किया, ऐसे भाव आना चाहिए। ये 8ों श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु प्रभु ने हम लोग को इतना सुंदर ढंग से बताया। और अलग 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 ग्रंथों में भी अलग अलग प्रकार से हम लोग को भक्ति मार्ग में कैसे रहना चाहिए बताए। हम एक श्लोक का कौन सा था, एक श्लोक में बताए थे, एक तो उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन संगत त्याग सतो वृत्ति। प्रसिद्ध थे जन, एक श्लोक लिखे थे मैं, हाँ इधर एक भक्ति की सिद्धि मुक्ति से भी बड़ा है ना, श्लोक था बहुत सुंदर, उसको मैंने लिख के रखी थी। भगवान विष्णु का ध्यान छोड़कर किसी अन्य का ध्यान नहीं करना चाहिए, ऐसा करेगा तो वो मृग मरीचि की खोजने की तरफ समय गवाएगा। कृष्ण भावना भवित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न करना चाहिए, असली योग का यही उद्देश्य है। कह रहा है कि बड़े इसलिए इसमें भी हम लोग देखते, हाँ रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि इति राम देवासनो परब्रह्माभि दीयते।
योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा गया कहा जाता है। ये इसमें बताया है भागवतम के फिफ्थ कैंटो फिफ्थ श्लोक में। और ये भी है अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, सौ पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। ये मनुष्योनियों में मनुष्योनि इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। जरा अपने पुत्रों को सौ पुत्रों को उपदेश दे रहे, ये मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है? भगवान तपस्या रह करेंगे, इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सकोगे। अतः जो योगी है या दिव्य ज्ञानी है वे इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता है, क्योंकि इंद्रिय सुख भवरोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त रहता है उसे उतना ही अधिक दुख भोगना पड़ता है। ऋषभ देव अपने पुत्रों को बता रहे हैं। और हम लोग सनातन गोस्वामी के जीवन चरित्र, माधवेंद्रपुरी और चैतन्य महाप्रभु का जो भी चरित्र हम लोग देखते हैं, उन्होंने अपने पूरा जीवन को भगवान की सेवा में लगाया है। इसी तरह हम लोग को उच्च आदर्श के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, सब कुछ त्यागना चाहिए, क्योंकि एक भगवान भक्त अपना सब कुछ त्याग के भगवान के शरण में रहता है, वो सचमुच योगी है। करके ये कपिल देव अपने माता देवहूति को योग के बारे में बता रहे हैं। हरे कृष्ण, श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय।